नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हासिल की सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने, और अब इस जीत के बाद यहां पर तमाम बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पर तमाम रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। सभी पार्टियों की नजरें अब लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। मालूम हो कि मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ दो विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, यानी कि रामपुर और खतौली में। खतौली में रालोद ने जीत हासिल की, लेकिन रामपुर में बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई। और अब नजरें टिकी हुई हैं लोकसभा चुनाव पर सभी पार्टियों की। बसपा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा इन उपचुनाव में, लेकिन अब यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की नजरें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की तरफ है। यहां पर अब दावे ये किए जा रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से पुराने दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद शिवपाल सिंह यादव को सौंपा जा सकता है, जिससे कि वह अन्य रूठे हुए दलों को एक बार फिर से मना सके और एक बार फिर से सपा के साथ उनका गठबंधन देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बच्चे भी तमाम बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से अखिलेश और डिंपल की बड़ी बेटी अदिति यादव ने एक पोस्ट साझा किया है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर अखिलेश के तीनों ही बच्चे, यानी कि उनके बेटे अर्जुन के साथ साथ उनकी एक और बेटी टीना यादव भी यहाँ पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिंपल यादव की जीत पर भी वह खुशी जाहिर करते हुए देखे गए हैं। अब अदिति यादव ने जो पोस्ट साझा किया है, इस पोस्ट में देखने को मिला है कि डिंपल यादव की एक तस्वीर को उन्होंने साझा किया है। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है मिशन 2024 और साइकिल का इमोटिक उन्होंने साझा किया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के झंडे की इमोटिक को भी उन्होंने साझा कर दिया है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत पर वह अपनी बात रखती हुई नजर आ रही हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। 2,88,461 मतों के अंतर से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को हरा दिया। और अब देखा जाए तो वह विपक्ष को यहाँ पर तगड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। विपक्ष का ये दावा है कि कैसे भी करके यहाँ पर जीत हासिल करनी है, केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और ऐसे में देखा जाए तो अब तमाम दलों की बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं और इस तरह से देखने को मिल रहा है कि विपक्ष यहां पर रणनीतियां बना रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अदिति यादव जिस तरीके से ऐलान करती हुई नजर आ रही है, लोकसभा के दरवाजे डिंपल यादव के लिए खुल चुके हैं। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव की क्या कुछ रणनीतियाँ देखने को मिलेंगी और कैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ साथ वह देश में केंद्र सरकार को कैसे यहाँ पर हार का सामना कराती हुई दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।